हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको 4-5 ईयर बेबी के लिए ए लाइन की बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक बनाना सिखा रहे हैं, जिसके लिए हमने 60 सेंटीमीटर प्रिंट और 60 सेंटीमीटर फ्रिल फैब्रिक लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रॉक के लिए हमने 2 पीस ले लिए हैं, जिसकी लेंथ 20 इंच है और चौड़ाई में ये 21 इंच है। अब इसको यहाँ से हम फोल्ड करके रख लेते हैं। 4 लेयर यहाँ पर इसकी हो गई हैं। शोल्डर हमें इसका 5 इंच रखना है और आर्म होल की लेंथ हमें इसकी 5.5 इंच रखनी है। चेस्ट हमें इसकी यहाँ से 7.5 इंच रखनी है। आर्म होल में हम ऐसे करते हुए यहाँ से गोलाई कर देते हैं। वेस्ट लाइन हमें इसकी 5 इंच रखनी है। हल्का सा तिरछा करते हुए नीचे की साइड से हम इस पर निशान लगा लेते हैं। वेस्ट हमें 7 इंच रखनी है। नीचे की साइड से 1.5 इंच पर इस पर निशान लगा देना है और ऊपर की साइड से 1.5 इंच के निशान तक हमें इसको मिला देना है। नीचे से हमें इसकी गोलाई कर देनी है, जिससे ये फ्रॉक साइड से लटकती नहीं है। नेक की चौड़ाई हमें इसकी 2 इंच रखनी है और लेंथ में हमें इसको 3.5 इंच रखना है। अब हम इसमें गोलाई कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, निशान हमारे लग गए हैं। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसकी शेप कितनी प्यारी सी आ रही है। शोल्डर पर से हम इसके हल्का सा ढालदार कटिंग कर देते हैं, क्योंकि शोल्डर हमारे ढालदार होते हैं, इससे इसकी फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। नेक भी यहाँ पर हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, 2 पीस यहाँ पर हमारे बैक और फ्रंट साइड के कट कर तैयार हो गए हैं। एक पीस को हम इसमें से अलग कर देते हैं और एक पीस में से हम 2 इंच का नेक कटिंग कर देते हैं, जिससे बेबी को पहनाने में इसकी परेशानी नहीं होती है। ये यहाँ पर हमने स्ट्रिप ली है 2 और 3 इंच की। बीच से हम इसको 2 इंच का कट कर लेते हैं और यहाँ पर रख कर हम इसको लगा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने फ्रंट का पीस अपना डबल करके रख लिया है। इसकी आर्म होल में हम आगे की साइड से गहराई कर देते हैं, जिससे बेबी के पहनकर इसकी शेप बहुत ज़्यादा प्यारी आती है। फ्रंट आर्म होल हमने कटिंग कर दिया है। अब हम इसको खोल लेते हैं और सेंटर में, इसके बिल्कुल सेंटर में 1 इंच का गैप देते हुए हम इसमें निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर हम डिज़ाइनिंग स्ट्रिप लगाएंगे, तो उसके लिए हमें इसको सेंटर में निशान लगा लेना है। ये 1.5 इंच एंड 20 इंच पर ये हमने स्ट्रिप ले ली है। यहाँ पर 2 फ्रिल हमने ले लिए हैं फ्रॉक में नीचे की साइड लगाने के लिए, 6 और 41 इंच। फ्रेंड्स, दोनों फ्रिल हमारे बिल्कुल बराबर लेंथ और चौड़ाई के हैं। एक साइड से हमें इसको फोल्ड करना है और एक साइड में हमें इसके चुन्नट डालनी है। ये 1.5 इंच की रेब की पाइपिंग हमने ले ली है। सबसे पहले हम स्ट्रिप को बैक नेक पर बीच में रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। बीच में हम इसके हल्का सा कट लगा लेते हैं। इसको इस साइड में फोल्ड करते हुए किनारे पर नेल से हम प्रेस कर लेते हैं। अब इसको पलटते हुए ऐसे ही इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेते हैं, जिससे जब हम इसको अंदर की साइड को फोल्ड करेंगे तो इसकी शेप बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। अब हम इसको दूसरी साइड में पलट लेते हैं और यहाँ से फोल्ड करते हुए नीचे की साइड से भी हमें इसको फोल्ड कर देना है, जिससे इसकी चकोर शेप आ जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी नेक स्ट्रिप लगकर कितनी प्यारी सी, ये नेक हमारा बैक नेक तैयार हो गया है। ये देखिए पट्टी हमारी कितनी प्यारी सी लग गई है। ये हमने डिज़ाइनिंग स्ट्रिप के साथ लूपी के फैब्रिक भी कट कर लिए हैं, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 2.5 इंच है। इसको हमें डबल फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर रख कर लगाना है। सबसे पहले हम इसको ऐसे फोल्ड करते हुए इसकी एक लेस बना लेते हैं 20 इंच लेंथ की। पीस को हमें एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा चढ़ा देना है। ये आप देख सकते हैं इसकी कितनी प्यारी सी यहाँ पर शेप आ रही है। इसी तरीके से हमारी सारी लुप्पियाँ बनाकर हमने तैयार कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम
आपको नज़दीक से दिखा देते हैं। ऐसे दो बार हमें इसको फोल्ड कर लेना है और एक दूसरे के ऊपर रखते हुए थोड़ा सा इसको चढ़ा लेना है। दो पीस 20 इंच की दो लेस यहाँ पर हमें बनाकर तैयार करनी है। ये दोनों लेस हमने यहाँ पर बनाकर तैयार कर ली है। अब हमें इसको यहाँ पर स्ट्रिप पर लगा लेना है और इस पर सिलाई लगा लेनी है। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन बनकर बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। एक बार आप भी अपनी बेबी के लिए इसे ट्राई करें। फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक तरफ की पट्टी यहाँ पर डिज़ाइनिंग हमने लगा दी है। अब यहाँ पर दूसरी साइड की भी पट्टी हम इस पर लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दोनों लुप्पियाँ हमने लगा दी हैं। इसको हम ऐसे पलट लेते हैं। आप देख सकते हैं इसका कितना प्यारा सा डिज़ाइन यहाँ पर बन गया है। अब हम फ्रॉक के बीच सेंटर में इसको रख लेते हैं, जहाँ पर हमने निशान लगाए हुए हैं, और इस पर हमें दोनों साइड सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर इस साइड भी हम किनारे पर सिलाई लगाकर इसका अंदर का सब फैब्रिक अंदर की साइड को करते हुए किनारे पर एक सिलाई लगा देते हैं, जिससे ये बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाती है। इसी तरह से काफ़ी प्यारे प्यारे ड्रेस की और फ्रॉक डिज़ाइन की वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। आप चैनल पर से वीडियो देख सकते हैं। और हमारे सेकंड चैनल MSDIY पर भी आप काफ़ी बेबी के प्यारे प्यारे से डिज़ाइन की वीडियो देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने दोनों साइड में इसकी सिलाई लगाकर इसको तैयार कर लिया है। नीचे की साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक हम इसका कट कर देते हैं, ऊपर की साइड से भी हम इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक हम इसका कट कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर डिज़ाइन हमने बना लिया है। अब हम बैक साइड का भी शोल्डर मिला लेते हैं और फ्रंट साइड का भी, और इसमें शोल्डर पर सिलाई लगा लेते हैं। फ्रंट शोल्डर पर हमें हमेशा डबल सिलाई लगानी चाहिए। जब हम नेक में या आर्म होल में पाइपिंग लगाते हैं तो ये साइड से खुलते नहीं हैं और हमें इसमें परेशानी नहीं होती है। आर्म होल में हमने सिलाई लगा दी है। अब फ्रॉक के बैक साइड पर हमें अपनी पाइपिंग को रखना है और हल्का हल्का सा पाइपिंग को हमें खींचना है। किसी भी जगह से पाइपिंग को हमें ढीला नहीं छोड़ना है। ये देखिए पाइपिंग यहाँ पर हमने लगा दी है। एक्स्ट्रा पाइपिंग हम अपनी कट कर देते हैं और यहाँ पर पाइपिंग को दो बार हमें फोल्ड करना है। अंदर की पाइपिंग हमें इसमें कट नहीं करनी है, इसी में ही फोल्ड कर देना है, जिससे हमारी पाइपिंग बहुत प्यारी शेप की आएगी और पाइपिंग थोड़ी टाइट भी हो जाएगी, जिससे इसकी शेप और ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पाइपिंग को हमने फोल्ड करते हुए अपने आर्म होल पर सिलाई लगाकर पाइपिंग को तैयार कर लिया है। इसी तरीके से हम इस साइड में भी अपनी पाइपिंग लगा लेते हैं, नेक में भी और दूसरे आर्म होल में भी पाइपिंग अपनी लगाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, नेक में और आर्म होल में हमारी पाइपिंग लगकर तैयार हो गई है। कितनी प्यारी सी इसकी शेप बैठ गई है। अब हम अपने फ्रिल को फोल्ड कर लेते हैं। बारीक सा नीचे की साइड से हमें दोनों फ्रिल फोल्ड कर लेने हैं। आप फ्रिल को फ्रॉक में लगाकर साइड की फिटिंग की सिलाई लगाकर उसके बाद भी फोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए फ्रिल हमने अपना फोल्ड कर लिया है। अब हम इसमें बारीक बारीक सी चुन्नटें डालकर फ्रिल को अपने तैयार कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम धागे जैसी चुन्नटें हाथ से ही डाल देते हैं बारीक बारीक से। इस तरह की चुन्नटें आप किसी भी चीज़ में अपनी डाल सकती हैं। आप देख सकते हैं इसकी कितनी प्यारी सी चुन्नटें डलकर यहाँ पर तैयार हो रही हैं। ये फ्रिल हमारा तैयार हो गया है।
अब हम इसके फ्रॉक के नीचे के घेरे पर लगाकर फ्रॉक और फ्रिल को एक साथ जोड़ देते हैं। दूसरी साइड में भी हमें अपना फ्रिल सेम ऐसे ही जोड़कर इसको तैयार कर लेना है। ये हमारी सिलाई यहाँ पर लग गई है। अब हम फ्रिल का सभी फैब्रिक अंदर की साइड को करते हुए इसके ऊपर किनारे पर एक सिलाई लगा देते हैं। ये आप देख सकते हैं फ्रिल हमारा कितना प्यारा सा लगकर तैयार हो गया है। दूसरी साइड का फ्रिल भी हम ऐसे ही लगाकर इस पर तैयार कर लेते हैं। ये हमने दोनों फ्रिल अपने लगा दिए हैं। अब हम इसको डबल कर लेते हैं और इसमें फिटिंग की सिलाई लगा देते हैं। फ्रेंड्स, फिटिंग की सिलाई आप अपनी बेबी का मेजरमेंट लेकर उसके हिसाब से भी यहाँ पर लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप पाइपिंग की शेप देख सकते हैं, बैक साइड से भी हमारी कितनी प्यारी सी पाइपिंग आ रही है। हमारी पाइपिंग जैसी बैक साइड से होती है ऐसी ही फ्रंट साइड से होती है, जिससे इसकी शेप बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। इस साइड में फ़िटिंग की सिलाई हमने लगा दी है, दूसरी साइड में भी फ़िटिंग की सिलाई हम ऐसे ही लगा देते हैं। फ्रॉक हमारी बनकर तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।